हेलो एवरीवन, जय माता दी, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस के रिव्यूइंग करेंगे और वो भी स्पेशली हेलो अल्केन और हेलोरेन की। तो आज हमें हेलो अल्केन और हेलोरेन की कुछ रिएक्शंस की स्टडी करनी है, पर थोड़ा स्पीडली स्टडी करेंगे। नॉर्मली हम पहले रिएक्शन पढ़ रखी है हमने, अब क्या करेंगे, अब इसकी स्टडी करेंगे डायरेक्ट कि हाउ फास्ट वी कैन स्टडी। जैसे आपके सामने सबसे पहले एक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्रूज प्रोसेस। ग्रूज प्रोसेस में क्या होता है, देखिए आपके सामने 8 रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, और आपके एग्जाम्स में इन रिएक्शंस को 2-2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक। तो आप 2 नंबर गेन करने के लिए ये रिएक्शंस कैसे लिख के आएंगे ये हम देखेंगे आज, ठीक है। अब सबका आप क्या करेंगे, कॉमन मेथड बना लीजिए। कोई भी रिएक्शन हो आपको बस एक कॉमन वे से डिफाइन करना है, और वो तरीका क्या होगा आपका, देखिए आप क्या बताएंगे कि आप जैसे आपकी ग्रूज प्रोसेस है, ग्रूज प्रोसेस में क्या बनता है, ग्रूज प्रोसेस में भाई हेलो अल्किन बनते हैं, हेलो अल्किन स्पेशली देखे तो क्या बनता है, क्लोरो अल्किन बन रहा है, या क्या बनता है आपका ब्रोमो अल्किन, ये ब्रोमीन और ये अल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा, अल्किन। और किससे बनता है, ये बनता आपका अल्कोहल से, किससे बनता है आपका अल्कोहल से। रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है और कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में, इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट, ठीक। अब आपको कैसे डिफाइन करना है किसी भी रिएक्शन को, देखिए इन दिस रिएक्शन, मान लो ग्रूज प्रोसेस की बात करते हैं, तो ग्रूज प्रोसेस में आप बताएंगे, ग्रूज प्रोसेस लिखेंगे, नीचे 2 लाइन लगाइएगा, अच्छे से लिखना है ना एग्जाम में। फिर आप क्या लिखेंगे, यहां पे भी सीधा एक लाइन छोड़ दीजिए, ग्रूज प्रोसेस लिख दिया, उसके बाद लाइन छोड़ दी, उसके नीचे लिखिएगा क्या, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनता है वो बताइए पहले। हेलो अल्किन, हेलो अल्केन, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, क्लोरो अल्केन एंड ब्रोमो अल्केन आर फॉर्म्ड, बनते हैं किससे, फ्रॉम अल्कोहल, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट। यानी कि पहले प्रोडक्ट बताइए, फिर रिएक्टेंट, फिर कंडीशन। अब लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl गैस और एनहाइड्राइड ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेंट। ऐसे डिफाइन कर देना है कि इस रिएक्शन में क्लोरोल्केन या ब्रोमोल्केन बनते हैं फ्रॉम अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा HCl गैस और एनहाइड्राइड ZnCl2। आपकी रिएक्शन कंप्लीट। एक एग्जांपल, एग्जांपल में आप इस अल्काइल ग्रुप को खोल लीजिएगा, यहाँ पे C2H5 रख दीजिए, यहाँ पे C2H5 आंसर आ गया। एक ही देना आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है फिर क्या ब्रोमीन का भी एग्जांपल दे दो, क्लोरीन का दे दो, HCl होता है तो क्लोरीन बनता है, अब HBr भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्पेशली लुकास रिएजेंट में HCl गैस यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्रूज प्रोसेस आपको क्या देगा भाई, क्लोरो अल्केन देगा, स्पेशली ब्रोमीन भी बना सकते हैं आप, ठीक। एक एग्जांपल देना है तो क्यों परेशान हो दूसरे के साथ, चाहिए दे दीजिए, चाहिए दे दीजिए, ओके। अगला आपका रिएक्शन है डार्जन मेथड। व्हाट इज डार्जन मेथड, अब डार्जन मेथड में क्या होता है, सीधी सी बात है, इन दिस रिएक्शन स्पेशली क्लोरो अल्केन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल, किसके साथ भाई, विद, अब यहां पे विद किसके साथ, SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वट, C5H5N पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन की प्रेजेंस में थियोनाइल क्लोराइड के साथ आपका हेलो अल्केन में क्लोरोल्केन बनता है, किससे, अल्कोहल से। ये रिएक्शन आपकी क्या, डार्जन मेथड। डिफाइन कीजिए, एक एग्जांपल दीजिए, फिनिश, ठीक। इस रिएक्शन के अंदर स्पेशली जब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2, इसका नाम है थियोनाइल क्लोराइड, THIONYL क्लोराइड करवाते हो, तो दोनों जो साइड प्रोडक्ट निकलते हैं वो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, SO2 भी गैस होती है और HCl भी क्या होती है, गैस, ठीक है। तो ये जो साइड प्रोडक्ट गैसियस में होने के कारण आपका ये जो रिएक्शन में हेलोल्केन बनता है, क्लोरोल्केन स्पेशली, ये ज्यादा प्योर फॉर्म में गया, क्योंकि साइड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं तो प्योरिटी ज्यादा रहती है। तो एक बेस्ट मेथड है, जनरली हम क्या यूज करेंगे, डार्जन मेथड इस्तेमाल करना आप लोग किसको प्रिपेयर करने के लिए, क्लोरोल्केन को बनाने के, ओके। तो अब इन दिस इन रिएक्शंस में आपको और क्या पता चल रहा है, एक आपने कन्वर्जन सुना होगा, 2 नंबर में सुना क्या, पूछते हैं कन्वर्जन आपसे,
आई बात समझ में? तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए इसमें अल्कोहल से अगर आपको हैलोल्किन बनाना तो आपके सामने रिएक्शन दे रखी है भाई, अटेम्प्ट कीजिए बस, यही तो कन्वर्जन है, अल्कोहल से हैलोल्किन बनाना ही तो कन्वर्जन है। अब कौन सा बना रहे हैं, इथाइल अल्कोहल से आप इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन बना रहे हो, सिंपल, ठीक है, यही आपके कन्वर्जन में हेल्प करती है रिएक्शंस। और नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आता तो करना ही है, साथ में कन्वर्जन में हेल्प करी, तो कन्वर्जन देख लो ना, सिंपल सा भी है। अगर कहीं पे आपको अल्कोहल मिल जाए आप इसको हैलोल्किन में कन्वर्ट करें तो डार्जन मेथड अप्लाई कर दो बस, ये रिएक्शन ही तो रखनी है आपको, एसोसिएट टू विद पाइरीडीन C5H5N, सिंपल। फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है देखिए भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका आयडोल्किन बनता है, क्या बनता है, स्पेशली आयडोल्किन बनेगा भाई, किससे बनता है, फ्रोम क्लोरोल्किन या ब्रोमोल्किन, क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन जनरली सेम चलती है तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंस होती है बस, ओके। जो आपका क्लोरोल्किन है जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ, विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देखिए आपका क्लोरोल्किन से क्या बन गया, आयोडोल्किन। इस रिएक्शन में एक्चुअली हैलोजन एक्सचेंज होता है, ओके जी, और स्पेशली फिंकलस्टीन रिएक्शन तो हमने ब्रॉडली एक पार्टिकुलर आपको वीडियो बना रखी है फिंकलस्टीन रिएक्शन की, वो देख सकते हैं। जो आपका इस रिएक्शन में आयोडोल्किन बनता है किससे भाई, क्लोरोल्किन से, विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसे ले सकते हो। देखिए प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से किसके साथ बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, चार बातें, एक एग्जाम्पल, पांच बस, रिएक्शन कंप्लीट। Now we will discuss Schwarz reaction, इसमें क्या होता है, ये खास बात है, इसमें भाई फ्लोरोल्किन बनता है, क्या बनता है, फ्लोरोल्किन, किससे बनेगा, आपका क्लोरो या ब्रोमोल्किन से, किसकी प्रेजेंस में बनेगा भाई, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड इस्तेमाल करते हो आप, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, बड़ा आसान सा रहता है, AgF सिल्वर फ्लोराइड, और इसके अलावा और कौन से आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हो भाई, आप क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए फ्लोरीन के साथ, इसका आप एंटीमनी फ्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ठीक है, कोबाल्ट फ्लोराइड, ट्राई फ्लोराइड का इस्तेमाल कर लेते हो आप, लेकिन जनरली आपका एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड होता है SPF3, इसको यूज करना बेटर है, क्यों, क्योंकि ये सस्ता होता है, ठीक है, सिल्वर चांदी महंगी है ना इसलिए। और यहां पे देखिए खास बात, इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है इस रिएक्शन, और आप फ्लोरीन को डायरेक्ट हैलोल्किन अल्केन के साथ ऐड करके प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन को बना लेते हैं, लेकिन फ्लोरीन इज रिएक्टिव, रिएक्शन ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है, इसलिए हम क्लोरीन को एक्सचेंज करते हैं फ्लोरीन के साथ यूजिंग इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, दिस इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन फ्लोरोल्किन इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरोल्किन विद सिल्वर फ्लोराइड, जस्ट हीट करना है, ओके जी, एक एग्जाम्पल अगेन। फिर आपकी वोट इज बोरोडीने हंस डाइकर रिएक्शन, इसे हंस डाइकर रिएक्शन बोल देते हैं। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें स्पेशली ब्रोमीन बनता है, क्या बनेगा भी स्पेशली ब्रोमीन, देखिए आप गौर से इस रिएक्शन में बनता क्या है, जो आपकी बोरोडीने हंस डाइकर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में स्पेशली आपका ब्रोमोल्किन बनता है, क्या बनता है जी, ब्रोमोल्किन। अब किससे बनता है, मतलब इस रिएक्शन में स्पेशली सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड इस्तेमाल होता है, R सिंगल बॉन्ड COOAG, ये आपका सिल्वर साल्ट हो जाता है, देखिए ये फैटी एसिड का H हटा के RCOOH, जहां पे R एक कार्बन की चैन होती, COOH फैटी एसिड होता है, तो होगा तो यहाँ पे एसिड बन गया, हटा H को हटा के सिल्वर लगा दे, कोई मेटल लगा देते तो उसे साल्ट कहते हैं, तो फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन जब आप ब्रोमिन के साथ करोगे विद इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आप CCl4 सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल, तो क्या होता है आपका, जो एक ब्रोमीन के साथ AG भी बाहर निकल जाता है, अगला ब्रोमीन इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और CO2 बाहर निकल जाती है, साथ में क्या बाहर निकल जाती है भाई, CO2, ठीक, तो एक्चुअली इस रिएक्शन में CO2 भी बाहर निकलती है, तो इसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगली बात बोरोडीने हंस रिएक्शन में, पहली बात तो ये कि इसमें ब्रोमोल्किन बनता है स्पेशली, जो आप अल्काइल ग्रुप यहां इस्तेमाल करेंगे वो मैं यहां पे रख देंगे, एग्जाम्पल हो गया। फिर इसके अंदर ब्रोमीन Br2 विद CCl4 यूज करते हो आप,
अगली बात, इसमें CO2 बाहर निकलता है तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है। उसके अलावा इस रिएक्शन में स्पेशली आपका एक कार्बन पहले कार्बन से कम हो रहा है, जो आपके रिएक्टेंट में जो कार्बन है, प्रोडक्ट में जो कार्बन के नंबर आएंगे, रिएक्टेंट में जो कार्बन के नंबर, उससे CO2 बाहर निकलेगा, तो इस रिएक्टेंट से एक कार्बन तो कम ही हो जाएगा यहाँ पे। तो एक प्रकार से इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, जब भी आपकी ये रिएक्शन आएगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एक कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होता है, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज बोलते हैं कार्बन के कम होने। ओके, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, बोरोडिन और जाइक रिएक्शन, ब्रोमीन से बी से याद रख ले कि इसमें क्या बनेगा, ब्रोमोल के। अब बात करेंगे भाई इसकी सेंडमी रिएक्शन की, नेक्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनता है। देखिए बेंजीन, इस छोटे से इस फाइल को मैं बेंजीन लिख रहा हूं, ओके। किससे बनेगा भाई, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, यह आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। किसकी प्रेजेंस में, बोला इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है, विद HCl। ये कंडीशन है, कॉपर क्लोराइड को HCl के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर यहां पे कॉपर ब्रोमाइड विद HBr इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बोलिए ब्रोमोबेंजीन। अगर यहां पे CuCN विद HCl इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। तो एक्चुअली आप एक ही बता सकते हो कि इस रिएक्शन में आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। ओके, अब आपको मान लो साइनोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने पड़ जाए तो आप इसी से बना सकते हो, दैट इज सेंडमियर रिएक्शन। अब अगली है गैटरमैन रिएक्शन, क्या होती है गैटरमैन रिएक्शन, क्या होती है, कुछ नहीं करना भाई, जो सेंडमियर रिएक्शन होती है इसमें हम कॉपर को ऐड करते हैं, इसमें क्या करेंगे आप, कॉपर पाउडर। इस रिएक्शन में स्पेशली कॉपर पाउडर इस्तेमाल होता है, कॉपर का क्या यूज होगा भाई, पाउडर बस, और आपकी गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। सेम कॉपर पाउडर विद HCl, कॉपर पाउडर विद HBr, कॉपर पाउडर विद HCl, इसमें भी तीनों चीजें बना सकते हो। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या हुई, इस रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शन में सेंडमियर और गैटरमैन में स्पेशली आपका हेलोरिन बनता है, ये हेलोजन ये अरिन, बेंजीन एंड इसके डेरिवेटिव अरिन कहते हैं, तो हेलोरिन बनता है, यूनिट का नाम है हेलोकेन हेलोरिन। तो आप आसानी से हेलोरिन बना सकते हो, दो स्पेशल रिएक्शन आपके पास। ओके जी, अब बात करेंगे रूट्स रिएक्शन क्या होती है भाई, इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, इस रिएक्शन के अंदर आपका सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, क्या बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन, बोला किससे बनता है ये बताइए, बोला स्पेशली क्लोरो एल्केन से, ठीक है। दो मॉलिक्यूल आप दो मोल लेंगे किसके, क्लोरो एल्केन के विद सोडियम इथर की प्रेजेंस में, सोडियम इथर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, दो अन्य के साथ, टू अन्य के साथ आपके टू सीएल बाहर, दोनों बार आपस में जुड़ जाएंगे, टू अन्य सीएल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, रिएक्टेंट गया। तो ये आपकी क्या बन गई, रूट्स रिएक्शन, क्लियर है। यही रिएक्शन स्पेशली हेलोरिन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है, कौन सी, रूट्स रिएक्शन के जैसी, उसका क्या नाम होता है अभी, नाइन रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं अपन, फिटिग रिएक्शन, क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या बनता है, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, मान लो ये आपका क्लोरोल्केन है, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लेना आपके दोनों सीएल एनए की इन प्रेजेंस ऑफ एनए सोडियम के साथ, देखिए क्या होता है फिटिंग रिएक्शन में, फिटिंग रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं जी, फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम आपके पास दो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, दो मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथर, सोडियम इथर की प्रेजेंस क्या बनाएंगे, दोनों बेंजीन सीएल बाहर निकल जाएंगे, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपके बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे भाई, ठीक। अगर क्या बनता है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनता है, क्या बन जाता है, बाइफिनाइल। अगर आप दो बेंजीन की रिंग को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो यूज कीजिएगा फिटिग रिएक्शन, किसका इस्तेमाल करेंगे, फिटिग रिएक्शन। ओके, तो ये थी आपकी क्या, फिटिग रिएक्शन, रूट्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बो, इसे क्या कहते हैं अपन, टेंथ रिएक्शन हो जाएगी आपकी क्या, फिटिग रिएक्शन एंड रूट्स, यानी कि रूट्स फिटिग रिएक्शन, रूट्स फिटिग रिएक्शन। रूट्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन के अंदर हम एक तो यूज करते हैं भाई अल्काइल क्लोराइड, जैसे मैं यूज कर रहा हूं स्पेशली C2H5Cl, एक इस्तेमाल करेंगे आप हेलोरिन, एक यूज करेंगे हेलोल्केन, दोनों आ जाते हैं रूट्स और फिटिग रिएक्शन में, तो इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पास क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या यूज कर लिया आपने, क्लोरोबेंजीन, फिर सोडियम, दो मोल सोडियम के ले लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ इथर, इथर की प्रेजेंस में क्या होगा, दो NaCl आपके बाहर निकल जाएंगे ऐसे,
और आपका एक बेंजीन और एक C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन और ये आपका C2H5, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। दिस इज रूट फिटिंग रिएक्शन। तो इस तरीके से आपकी हेलोल केन और हेलोरिन की 10 रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है, जो आप अच्छे से आपसे दो दो नंबर में पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आ सकती है। डिफाइन करने का तरीका मैं आपको फिर से कॉमनली बता देता हूं, क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या होगा, किससे बनेगा, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, और एक एग्जाम्पल बस आपको इतना सही देना है और आपकी रिएक्शन हो जाएंगी कंप्लीट, आसानी से आपके कंप्लीट फुल मार्क्स आ जाएंगे। ओके जी, तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। अगेन देख लीजिए एक मिनट की बात, एक मिनट में देखते हैं क्या होता है। ग्रुस प्रोसेस में आपका क्लोरोल केन बनता है अभी ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में फ्रॉम अल्कोहल। डाजन मेथड में आपका क्लोरोल केन बनता है किससे, अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ थियोनाइल क्लोराइड। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका आइडोल केन बनता है क्लोरीन, क्लोरोल केन से किसकी प्रेजेंस में, भाई सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन। शॉर्ट्स रिएक्शन में आपका फ्लोरोल केन बनता है फ्रॉम क्लोरोल केन से, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड। फिर आपकी बोडेनोर डाइकर रिएक्शन में ब्रोमोल केन बनता है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सेंडमी रिएक्शन में क्लोरोल केन क्लोरोअरीन क्या बनता है, हेलोरीन, क्लोरोबेंजीन बनता है किससे, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। सेंडमी रिएक्शन में क्या बनता है आपका, क्या, हेलोअरीन, क्लोरोअरीन अरीन बनता है किससे, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड HCl। और अगर आप कॉपर पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आपका हेलोरिन यानी क्लोरोरिन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा किससे, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, दैट इज गैटरमैन रिएक्शन। रूट्स रिएक्शन में आप क्या सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हो, और आपके जो फिटिंग रिएक्शन है उसमें आप सिमेट्रिकल यानी क्या बनाते हो, बेंजीन कह सकते हो, बाइफिनाइल डाइफिनाइल बनाते हो, और वही अगर रूट्स फिटिंग दे दे तो आप क्या बनाते हो, क्या, एल्केन बेंजीन, अल्काइल बेंजीन बनाते, ठीक है, हेलोअल्केन और हेलोअरीन यहां दोनों मिक्स हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं भाई, क्या, अल्काइल अराइल, क्या बना लेंगे, अल्काइल अराइल। तो ये थी आपकी 10 रिएक्शंस। अच्छे से अपनी हेलोअल्केन और हेलोअरीन की प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए, अच्छे से बोर्ड्स में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आइए। ऑल द बेस्ट, जय माता।